देश में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। यूपी बिहार में हीट वेव से करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत। चार दिन के अंदर बलिया जिला अस्पताल में 57 से ज्यादा लोगों की मौत, हटाए गए सीएमएस। आरा में हीट स्ट्रोक का कहर लगातार जारी, दो दिनों से अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत। बलिया में हुई मौतों से उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच की शुरू, अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को आजमगढ़ किया गया स्थानांतरित। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरा, कहा कि पिछले 6 साल में यूपी में एक भी जिला अस्पताल नहीं बना, मरने वाले गरीब किसान। मणिपुर हिंसा में आरएसएस ने सरकार राज्य के लोगों से अपील की है कि शांति बहाल करें। आरएसएस की मणिपुर में शांति की अपील पर कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा और नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। मणिपुर हिंसा पर उद्धव ने कहा कि हिंसा प्रभावित मणिपुर में संकट का समाधान करने के बजाय अमेरिकी दौरे पर जा रहे प्रधानमंत्री मोदी। मणिपुर में शांति बहाल करने के संघ ने अपील की, 21 जून से मणिपुर सरकार ने स्कूल खोलने का प्लान बनाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि आरएसएस का जाना पहचाना दोगलापन पूरी तरह से दिख रहा है।